प्यारी सत्संग जी, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। अज दे इस आनंद कारज विच आप जी सारे शामिल होए बहुत सुचजे ढंग नाल और बहुत सिंपलिसिटी नाल। गुरमत अनुसार सारा ये रहत मर्यादा अनुसार बहुत सोहना कारज निभाया गया। आई रियली अप्रीशिएट। आज विलक्षण गल्लां सानूं इह देखण नूं मिल रही हैं कि पहलां चार लावां दी विचार होई है, उस तो इलावा कोई खास तौर ते जिहड़े इस आनंद कारज विच शामिल होण तों पहलां असी मन मत करके शराब और भंगड़े करदे हां, ऐसा कुछ भी नहीं कीता गया। इट इज़ रियली फिनोमिनल कि असी इस तरीके दे सुचजे अपने परिवारां च ये वाला सुनिया प्राप्त करके इस तरीके दे नाल आनंद कारज करन वास्ते इस ऑप्शन नूं एक्सेप्ट करते हैं कि दिस इज़ द ओनली ऑप्शन कि मैं सतगुरु दी दित्ती सुमत अनुसार सिंपलिसिटी च गुरु पातशाह दी हजूरी च नम्रता नाल पेश होना है ते अपना जीवन दा कारज आरंभ करना है। साडे कोल लिमिटेड समा अद्धे घंटे का है, उहदे विचकार असी श्लोक गायन करते हैं। भाई साहब जी ने जाना है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आओ रल के असी एक श्लोक गायन करते हैं, उस तो बाद उसकी विचार सांझ करांगे। सुनी साजन प्रेम संदेश रा, सुन साजन प्रेम संदेश रा, 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 सुन साजन प्रेम संदेश रा, सुन साजन प्रेम संदेश रा, अखी तारलकन लगन, सुन साजन प्रेम संदेश रा, सुन साजन प्रेम संदेश रा, तुठे सज्जन मेलिया, गुर तुठे सज्जन मेलिया, जन नानक सुख सवन, जन नानक सुख सवन, तार लगन, अखी तार लगन, सुन साजन प्रेम संदेश रा, सुन साजन प्रेम संदेश रा, प्रेम संदेश रा, प्रेम संदेश रा, प्रेम संदेश रा, सुन साजन प्रेम संदेश रा, सुन
साजन प्रेम सुन, साजन प्रेम सुन, साजन प्रेम संदेश राय। प्यारी सत्संग जी, असी सब ने रल के एक श्लोक गायन किया, सुन साजन प्रेम संदेशरा, अखी तार लगन। प्रेम का संदेशा सुनना है, मैसेज ऑफ लव, मैसेज ऑफ वननेस, मैसेज ऑफ वार्मथ, जो साड़ी ह्यूमैनिटी आपस में सारी दुनिया नाल सांझ होंदी है ना, जिसनों असी कहिंदे आ एक पिता एक कसके मुबारक, वो वाला प्यार दा सुनिया सुन कोई मेरे साजन। साजन कौन है, ये सवाल भी अपने आप विच। जदों असी समझदे आ ना कि साजन दा मतलब किसे मनुख नू मुखातिब करके कहण दी बजाय अपने मन नू कहा जा रहा, ओए मेरे मन, ओए मेरे सज्जन, मन तू प्यार दा संदेशा सुन। प्यार दा संदेशा नू गुरप्रसाद कहिंदे ने, प्यार दा संदेशा नू ग्रेस कहिंदे ने, प्यार दा संदेशा नू गुरु किरपा कहिंदे ने। प्यार दा संदेशा च की हुंदा है, हाउ टू बिहेव। प्यार दा संदेशा च की हुंदा है, हाउ टू मूव इन द सोसाइटी। प्यार दा संदेशा च हुंदा है, हाउ टू लीड योर फैमिली लाइफ। प्यार दा संदेशा च हुंदा है, हाउ टू लिव इन डाइवर्सिटी। साडे ख्यालां दे लोग ना भी मिलन तां वी उहनां दे विचकार असीं किवें रहिंदे आ। इस तरह जदों मेरा मन प्यार दा संदेशा सुन लैंदा है, तां उस तो बाद सैकेंड स्टैप शुरू होंदा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा रोम रोम, मेरे ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी स्पिरिचुअल हो जाते हैं। जदों तक असी स्पिरिचुअल नहीं होंदे हाँ, साडे कोलों जाने अनजाने च मिसटेक्स होंदियां ने, साडे कोल जाने अनजाने च काफ़ी गलतियां हो जांदियां। पर वो गलतियां दा कारण की होंदा है, असी सोच रहे होंदे हाँ मैनू सब कुछ पता है, दैट इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस। बट दैट स्टार्ट्स विद एरोगेंस। जदों सानू यह भुलेखा हो जाता है, जिसनों इल्यूजन कहते हैं, जिन्हों परम कहते हैं, कि मैनू सब कुछ पता है, हूँ इस तो बाद बैड डीड्स करनिया नहीं पैनगियां, ऑटोमैटिकली मेरे कोलों गुड डीड्स होनगियां नहीं, और मेरे बिहेवियर च, मेरे करैक्टर च, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे थॉट्स विच नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी, मैं नेगेटिव पर्सनैलिटी बन जाऊँगा, पॉजिटिव एटीट्यूड मेरा नहीं रहेगा। इहदा मतलब की होया, बेसिक रूट की होई, मैनू भुलेखा पै गया है दैट आई नो एवरीथिंग। कंप्यूटर चलाना, सैलफोन चलाना, गिजमो गैजेट्स तो लैके दुनिया भर का सब कुछ कर लैन तो बाद, डिग्रियां लैन तो बाद, सानू यह भुलेखा होर ज़्यादा वध जाता है, रीनफोर्स होंदा जाता डे बाई डे, मेरे को सब कुछ मालूम है। हुण कबीर साहब मनु मेरी इस साइकी नू डायग्नोज करते ने, और मनु कहते ने, मन जाने सब बात, मन जाने सब बात, जानती ओगुन करे, जानती ओगुन करे, काहे की पुछला, काहे की पुछला, हाथ दिए परे, हाथ दिए
हाथ दी मुए परे हाथ दी मुए परे मन जाने सब बात कबीर मन जाने सब बात। सो जदों सानू भुलेखा पैंदा मैनू सब कुछ पता है उस वेले साड़ी लिसनिंग बंद हो जाती है असी कुछ सुनते नहीं हाँ। लिसनिंग जदों खुलती है तां फिर असी सुनते हाँ फिर असी मन दे कन्ना नाल सुनते हाँ मन दे ऑर्गन्स नाल देखते हाँ मन दे ऑर्गन्स दे नाल मीनस मन दी जिहड़ी दुर्लभ देह साडी बनती है असी उहदे नाल बाहरों एक्शंस करने शुरू करते हाँ। मेरा मन सज्जण जे सुन लवे ना तो मेरा अंदर दी बॉडी फिक्स हो जाएगी और वंस मेरी अंदर दी बॉडी फिक्स हो गई then that comes out in my behavior. So we are supposed to be fixed up from inside first. ता साड़ा जीवन शुरू होएगा जीओ निर्मल बाहरों निर्मल बाहरों निर्मल जीओ ता निर्मल सतगुर ते करनी कमानी सानू जीवन जात समझ आती जाती। सो अज दे इस आनंद कारज विच जिस तरह भाई साहब जी ने पहला सांझ की असी चार लावां दे नाल आनंद कारज सिख घरानिया विच गुरमत अनुसार देखते हैं जो कि साड़ी रहत प्रयाद है। सानू पहली लाव की सिखाती है पहली लाव दे बारे सीखण तो पहला असी समझांगे गुरमत विच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मैन और वीमेन कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इस करके जो पल्ला फड़ाया जाता है उसका मतलब ये नहीं होता कि ये बच्ची इस मुंडे दे पल्ले लगी है रादर ये होता है दोनों रल के सतगुर दे पल्ले लगते हैं। हब्बे साक उड़ावे डिठे मैं अपने पीके दे रिश्तेदारियां नूं कुड़ा रिश्तेदारां नूं रिलेशंस नूं कुड़ावा नहीं समझना दैट इज़ रोंग मैसेज कि कुड़ी अपने पेक्या नूं तोड़ देवे नो वो कूड़े नहीं ने वो सुचजी गल सिखांदे ने पेक्या तो ही ऐसे बच्चे चंगी गल सुन के सिख के वड्डे हुंदे ने उहनूं कहिंदे ने पेई अड़ै शो सेव तूं सौ रड़ै सुख बस गुर मिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। असी पेके तो चंगे गुण सीखते हाँ और जदों असी सारी उम्र सीखते हाँ तो असी पेका घर ही आते हैं कि मैं सीख रहा हाँ और जदों वननेस विद गॉड प्राप्त करते हाँ तो असी सौरा कर एंटर कर जाते हाँ दैट इज़ पेका सौरा टर्म गुरमति समझाई गई। हुण जदों असू सानू पता लगा कि ये दोनों रल के गुरु के पल्ले लगते ने तां समझ आया हब्बे साख कुड़ावे डिठे साख मीनस मेरे अंदर दे मंदे ख्यालां दे ईवल थॉट्स दे नैगेटिविटी दे सारे रिश्तेदार और फ्रेंड्स नाल मैं कट ऑफ कर लिया है। हब्बे साख कुड़ावे डिठे तो पल्ले तेंडे लागी। सो नाउ वी आर एंटरिंग इन टू न्यू फेज ऑफ लाइफ विच इज़ गृहस्थी। सो पहली लाव सानू गृहस्थी जीवन सिखाती है असी रिनाउंस करके जंगलों च नहीं जाते हाँ असी विमेन नू नरक का द्वार नहीं मनते हाँ असी उन्हूं इक्वल पार्टनर मनते हाँ ताकि लाइफ दोवां दे नाल मिल के बराबरता नाल पूरे परिवार नू चला सके। हुण इस तो गल ये समझ आई कि जदों पहली लाव परवीरती कर्म दृढ़ाया बलराम जी तो नट शैली च चार लावां नूं विचार करदियां ते काफ़ी समां लगता है लेकिन नट शैली च पहली लाव तो सानू समझ आता है एडजस्ट डोंट प्रोटेस्ट। असी सीखते हाँ हाउ टू एडजस्ट विद माईसेल्फ फस्ट मेरे नैगेटिविटी नूं फिक्सअप किवें करना है एडजस्ट किवें करना है उहदा वॉल्यूम किस तरह ठीक करना है उहदा पोटेंशियोमीटर किस तरह ठीक करना है
ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਇਸਿਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਕੁੜਿਆਰ ਅਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੂੜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਡਜਸਟ ਡੋਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇਮ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਰ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਟੌਂਟਸ ਗਿੱਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਟੌਂਟਸ ਗਿੱਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਂਟਅਪ ਫਾਈਲਸ ਦੀ ਐਨੋਇੰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਦੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਈਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਬੋਥ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਐਡਜਸਟ, ਡੋਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਸੈਕਿੰਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਹਮਨੇ ਕਭੀ ਵੀ ਇਨ ਐਨੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਏਕ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਦੀਵਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਨਾ। ਵੀ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਸਪੀਕ, ਵੀ ਲਰਨ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਗੋਡਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸਵਾਮੀ ਮੋਰਾ ਉਹ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਟ ਹੈਪਨਸ, ਵੀ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਸਪੀਕ ਇਨ ਐਬਿਊਜ਼ਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਵੀ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਸਪੀਕ ਇਨ ਐਗਰੈਸ਼ਨ, ਆਲਵੇਜ਼ ਹੰਬਲ, ਸੋਫਟ, ਲਾਊਡਲੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੇਡ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜਦਾ ਹਾਂ, ਤੋੜਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਰਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੇਮ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸਵਾਮੀ ਮੋਰਾ ਹੋ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਾ, ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਡ ਲਾਈਕ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਟੂ ਫੋਰਗਿਵ ਈਚ ਅਦਰ। ਐਂ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਲਾਵ ਅੰਦਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਥ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਤੀਜੀ ਲਾਵ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਤੀ ਏਥਿਸਟ ਹੈ ਔਰ ਪਤਨੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਨੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈ ਬਟ ਪਤੀ ਇਜ਼ ਏਥਿਸਟ। ਨੋ, ਵੀ ਬੋਥ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਨ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਨ ਅਵਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਅਵਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇਨ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਹਮ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਲੋਗੋ ਮੇ ਗਲਤ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਡਾ ਲੇਟ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਆਪੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਛੁੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੋਂਟ ਟੋਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਥ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਰਾਗੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਂਗ ਈਵਲ ਥੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਰਾਗ ਤੋਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬੈਰਾਗ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ। ਡੋਂਟ ਸਪੈਂਡ ਮੋਰ ਦੈਨ ਯੂਅਰ ਅਰਨਿੰਗਸ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ
जर्नी हार्ट टू हार्ट्स, चार लामा बेस्ड पुस्तक है, दिल नू दिला दी राह, इन हिंदी है दिल से दिलों की राह। दीज बुक्स आर अवेलेबल इन 900 केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स ऑल्सो, बट इट इज़ अवेलेबल आउटसाइड इन द ऑन द शेल्फ। असी उहदे चार लामा नू समझिया, हुण नट शैली च असी समझ लिया, फस्ट एडजस्ट डोंट प्रोटेस्ट, सैकेंड डोंट ब्रेक वॉल ऑफ रिस्पैक्ट, थर्ड बोथ लुकिंग इन वन डायरेक्शन, फोर्थ डोंट स्पेंड मोर दैन यूअर अर्निंग्स। जदों असी अपनी अर्निंग्स तो ज़्यादा नहीं खर्चते हैं ना, तो असी एक्सट्रा वैगेंसी और टोंट और असी तृष्णा तो डिसकंटेंटमेंट तो छुट के कंटेंटमेंट वाला संतोखी जीवन सीख जाते हाँ। जदों साडा संतोख जीवन ही आ गया ना, सहज आ गया। चौथी लाम ने सानू सारी उम्र लई सहज सिखा दिता। सहज ही असी अपने आप नू गलत कम्मा तो रोकते नहीं हाँ, बल्कि सानू गलत काम करन दे थॉट्स नहीं आंदियां ने, क्योंकि असी सतगुर की गल सुन ली। उन्हों आज क्या है, सुन साजन प्रेम संदेश रा, सुन साजन प्रेम संदेश रा, अखी तार लगन, अखी तार लगन, सुन साजन प्रेम संदेश रा, सुन साजन प्रेम संदेश रा, बुर तुठे सज्जन बेलिया, बुर तुठे सज्जन मेल, जन नानक सुख सवन, जन नानक सुख सवन, अखी तार लगन, अखी तार लगन, सुन साजन प्रेम संदेश रा, सुन साजन प्रेम, सुन साजन प्रेम, सुन साजन प्रेम संदेश रा।